लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं श्रुति चांदना, स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। श्री कृष्ण गौशाला शुरू करने की हुई नई पहल, एसडीएम ने दिया आश्वासन। मधुबनी जिले के जयनगर में 100 वर्षों के बाद उद्धार के बाद जो रहे श्री कृष्ण गौशाला के पुनरुत्थान के लिए समाज सेवियों ने राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर की नई पहल। इस बाबत एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, जल्द इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि गाय पालन के लिए प्रयुक्त घर गौशाला कहलाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, उसकी हर तरह से सेवा व रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है। भारत में बहुत सारी गौशालाएं हैं, उन्हें संचालित करने के लिए सरकार भी धन देती है तथा गौ प्रेमी भी दान करते हैं। कुछ धनी व्यक्ति भी गौशाला चलाते हैं। गौशाला ज्यादातर भारत के गाँवों में ही होती है। आज भी भारत के गाँव के लोग सुबह जब रोटी बनाते हैं तो तवे से निकली पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों और परिवार को। आरोप है कि अतिक्रमण है, वहाँ चालू नहीं हो रहा है, इसी पे कुछ जानना चाहेंगे। इसके लिए हमारे पास आवेदन आया था गौशाला को लेकर के, इसके लिए हमने सीओ को सीमांकन के लिए आदेश दिया है कि जो गौशाला का पेपर है हमारे पास, ये कितना रकबा की जमीन श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी के लिए दिया गया था, उस एरिया का सीमांकन करने के लिए सीईओ को दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर उसका सीमांकन कर उस पर खूंटा गड़ा दिया जाएगा कि ये एरिया गौशाला का है। उसके बाद फिर हम लोग मेंबरशिप में आएंगे, मेंबरशिप के लिए विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन में जो लोग इच्छुक लोग हैं आएंगे, अपना मेंबर उसके बनेंगे, उसके बाद फिर उसका इलेक्शन होकर के उसका कोर कमेटी बनेगा, उसके बाद फिर देन गौशाला को स्टार्ट किया जाएगा।